हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टर टेकर में। दोस्तों मेरा नाम है ओवैस और आज मैं आपको इस वीडियो में 6 ऐसे लॉन्चर्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही बढ़िया हैं। और क्या है ना, ये सिर्फ 2 MB में हैं और 2 MB में जो है आपके मोबाइल को जो है बहुत स्मार्ट बनाते हैं, आपकी मेमोरी को सेव करते हैं और जो है आपकी बैटरी लाइफ को भी बढ़ाते हैं। ये सिर्फ 2 MB में है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मैं आपको इस वीडियो में 1 by 1 करके इन लॉन्चर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर टेकर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फर्स्ट लॉन्चर है नेक्स्ट क्लासिक लॉन्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है काफ़ी बढ़िया जो है स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो है आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ आइकॉन्स हैं, वो आप इनको जो है चेंज भी कर सकते हैं या फिर इनकी जो है एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है टेम्परेचर देख सकते हैं और नीचे बढ़ेंगे तो आपको जो यहाँ पर है आपकी मेमोरी कितनी फ्री है, कितनी यूज्ड है, वो सारी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज, अगर आप इसको जो है स्लाइड करते हैं इस तरह से, तो आपको यहाँ पर जो है आपकी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं बहुत सारी। तो आप इनको जो है अपने अकॉर्डिंगली जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है आप किसी तरह से अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं किसी पे, तो उसके ऐप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं या फिर उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और या फिर आप नीचे जो 3 एप्लीकेशंस दिख रही हैं उनको जो है उनके शॉर्टकट्स को जो है चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया जो है एप्लीकेशन है। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो सेकेंड लॉन्चर है एंगल लॉन्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो है काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है एंगल लॉन्चर। और इसमें बहुत कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। आप नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आप अपने म्यूज़िक को डायरेक्टली यहाँ से प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं और इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज मिलती है और ये जो है बैटरी की जो है कितनी कैपेसिटी है वो आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो है काफ़ी आपकी गैलरी वगैरह और काफ़ी कुछ मिल जाता है यहाँ पर। और जो है आप डायरेक्टली यहाँ पर आप देख पाएंगे और टेम्परेचर कितना है, और आप जो है इसको जो है चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप इस साइड में देखते हैं तो आपको यहाँ पर सिस्टम की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और इसमें आपको जो है मेमोरी देखने को मिलती है कितनी यूज्ड है और कितनी फ्री। तो इस तरह से आप इसको जो है चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप इस पर जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं या फिर इसको जो है इस एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। और डायरेक्टली आप अगर इस पर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो इसका जो है आप बैकग्राउंड और थीम कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो टॉप पे देख पा रहे हैं स्टेटस बार उसको भी जो है चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको राइट टू लेफ्ट में जो है स्लाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं। आप इन एप्लीकेशंस को यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं या फिर ऊपर से जो है टाइप करके सर्च कर सकते हैं। दोस्तों थर्ड लॉन्चर है यूनिक लॉन्चर, जो कि आपके मोबाइल को बहुत बढ़िया लुक देता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है आपको कुछ जो है शॉर्टकट्स मिल जाते हैं यूट्यूब सेटिंग्स, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के। यहाँ पर आप इसको जो है डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं टाइम का जो है बीच में जो दे रखा है वो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया जो है अमेजिंग लुक दे रहा है। और यहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको जो है बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाती है। और अगर आप इस को स्लाइड करेंगे इधर राइट से लेफ्ट की तरफ तो आपको जो है आपकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं। आप डायरेक्टली इसको ऐसे सर्च कर सकते हैं या फिर आप जो है ऊपर से जो है टाइप करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी जो है बढ़िया लुक दे रहा है। इसमें आप इसको जो है डायरेक्टली आप यहाँ से एप्लीकेशन को या तो फिर इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उस एप्लीकेशन की जो है इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। दोस्तों फोर्थ लॉन्चर है एलिगेंट लॉन्चर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये जो है काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। और यहाँ पर जो है आप अपने अकॉर्डिंगली जो है आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करके इसको बैकग्राउंड वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जो है आप अपने अकॉर्डिंगली अपना वॉलपेपर लगा सकते हैं या फिर कोई अदर वॉलपेपर लगा सकते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो है इस साइड में जो आपको आइकॉन्स का कुछ कलेक्शंस दिख रहा है, जो कि बहुत बढ़िया लुक देता है आपके मोबाइल को। अगर आप इसको स्लाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर वेदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी कुछ शॉर्टकट्स दे रखे हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार और इसको स्लाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है म्यूज़िक मिल जाता है। आप यहाँ से डायरेक्टली कोई भी सॉन्ग्स जो है प्ले कर सकते हैं। अगर हम इसको जो है लेफ़्ट साइड में स्लाइड करते हैं तो आपकी यहाँ पर जो है एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। दोस्तों फिफ्थ लॉन्चर है स्ट्रिप लॉन्चर। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं
जो कि काफ़ी अच्छा जो आपको लुक दे रहा है। और आप इस साइड में देखते हैं तो आप अगर इसको जो है नीचे की साइड में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं और आप इन एप्लीकेशंस को डायरेक्टली इस तरह से सर्च कर सकते हैं। अगर आप ऊपर की साइड में करते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कॉल लगा सकते हैं डायरेक्टली नंबर टाइप करके। और ऊपर की साइड में बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वेदर देखने को मिल जाता है, और ऊपर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली आप म्यूज़िक प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो है बहुत बढ़िया आपको जो है वो लुक दे रहा है ये एप्लीकेशन, और काफ़ी इसमें जो है शॉर्टकट्स हैं, आप जो है इनको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट लॉन्चर है वो है क्लासिक लॉन्चर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ से आप जो है मैसेजेस आप देख सकते हैं कितने मैसेजेस हैं, और मिस कॉल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये जो आपको ये पोर्शन आपको जो दिख रहा है वो उस पोर्शन में जो है म्यूज़िक आप प्ले कर सकते हैं, यहाँ से म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं और इसे बैक भी कर सकते हैं। अगर आप इस साइड बीच में देखते हैं तो आपको ये बीच में जो है काफ़ी आइकॉन्स देखने को मिल रहे हैं, अगर उन पर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उन एप्लीकेशंस को चेंज कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और जो है यहाँ पर आपको वेदर देखने को मिल जाता है, ऊपर जो है टाइमिंग है। अगर आप इसको जो है स्लाइड करते हैं इस तरह से तो आपकी जो है एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं, यहाँ पर आप डायरेक्टली एप्लीकेशंस को सर्च कर सकते हैं या फिर यहाँ से टाइप करके सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आपने ये सारे लॉन्चर्स देखे, ये सिर्फ 2 MB में ही हैं, आप इनको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए। आई थिंक आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि ये सिर्फ 2 MB में है, ज़्यादा बैटरी यूज़ नहीं होती है इसमें, बैटरी की सेव होती है और जो है आपकी मेमोरी भी बच जाती है। ये जो है बहुत सही एप्लीकेशन है और जो है लुक बहुत बढ़िया लुक देते हैं आपके मोबाइल को, बहुत अच्छा लुक देते हैं। आप जो है इनको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके अपने दोस्तों को जो है इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारा ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों एक बात और बता दूं मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे वीडियोस पे जो है बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, सिर्फ 1000-2000 और सब्सक्राइबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी हम आपसे कहते हैं कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है। दोस्तों देखिए कितनी मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं और आप बस इस वीडियो को देख के छोड़ देते हैं, और इस वजह से हमारा जो है हमें जो है व्यूज़ नहीं मिल पाते हैं, सिर्फ बस वही 1000 और फिर 2000 व्यूज़ ही मिल पाते हैं। अगर दोस्तों आपने नोटिफिकेशन बेल को अभी तक नहीं दबाया है तो आप पहले उसे दबा लें, क्योंकि अगर हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आपको ज़रूर ज़रूर नोटिफिकेशन को दबाना चाहिए और जो है हमें सब्सक्राइब करना चाहिए, तभी आपको जो है हमारे जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे और आप हमारी वीडियो ज़रूर देख पाएंगे। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।